ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 203 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 203 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ। किसान है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए, जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा, अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे है ना, लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है तो उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया है। मुझे मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना, वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे, लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को, इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं, ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में।